नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सकालेट में। दोस्तों बात करेंगे बिहार में नए वर्ष में आने वाली 2022 की भर्तियों के बारे में। लगभग 13,000 पदों पर आने वाला है भर्ती। बीएसएससी के माध्यम से, बीपीएससी के माध्यम से, बीएसएससी जीएल थर्ड होने वाला है, सेकंड इंटर लेवल आने वाला है। आज के इस वीडियो में आप सभी को सभी वीडियो के माध्यम से अपडेट आपको बताएंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आज के यहाँ पर प्रभात खबर के फ्रंट पेज पर ही देखेंगे पटना एडिशन के, तो अगले साल 17,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति, 6,300 पदों पर हो चुकी है परीक्षा या काउंसलिंग, 5,100 पदों पर यहां पे निकल चुका है विज्ञापन, और साथ साथ यहां पे 5,000 नए पदों के अगले वर्ष निकालेगा विज्ञापन। आपको बता दें अगले साल बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से और साथ साथ बिहार तकनीकी सेवा आयोग से 17,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें 6,300 पद ऐसे हैं जिनकी परीक्षा या काउंसलिंग हो चुकी है लेकिन किसी वजह से अभी तक रिजल्ट नहीं निकल सका। वहीं लगभग 5,000 ऐसे पद है जिसका विज्ञापन निकल चुका है लेकिन परीक्षा या काउंसलिंग अभी नहीं हुई है, और 5,000 नए पद की विज्ञापन अगले वर्ष यहाँ पे परीक्षा लेकर काउंसलिंग पूरी करने की यहाँ पे होगी। बीएसएससी यहाँ पे बीटीएससी के माध्यम से आपको बता दें इस वर्ष शुरुआत में जी की नियुक्ति की काउंसलिंग का रिजल्ट तैयार हो गया लेकिन कोर्ट में मामला लंबित होने का रिजल्ट नहीं निकल सका है। इसी में दोस्तों बात करें आपको और यहाँ पे और नई अपडेट, इसके अंतर्गत आपको बता दें अलग अलग विभागों से लगभग 6,300 सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति होने वाली है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे मत्स्य प्रचार यहाँ पे प्रसार पदाधिकारी के 16 से 20 दिसंबर के बीच यहाँ पे काउंसलिंग हुई है। बाकी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अगले साल, जबकि यहाँ पे बीएससी के माध्यम से, बीपीएससी के माध्यम से आइए आपको बताते हैं, तो बीपीएससी के माध्यम से 700 यहाँ पे 94 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। आपको बता दें साथ साथ यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली 67 बीपीएससी के माध्यम से यहाँ पे होने वाली है। आपको बता दें 794 पदों की, और बीएसएससी के माध्यम से द्वितीय इंटर स्तर का विज्ञापन अगले वर्ष जनवरी में यहाँ पे आने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि दोस्तों कई बार पेपर के माध्यम से इस वर्ष भी इस अगले महीने आएगा लेकिन अभी तक नहीं आया, और साथ इसमें लगभग 2,500 रिक्तियां आयोग को मिल चुकी है, और तृतीय स्नातक स्तरीय विज्ञापन की अगले वर्ष की शुरुआत में ही आने वाला है। इसमें लगभग 2,000 रिक्तियां रहने की संभावना है जिसमें से लगभग 1,500 रिक्तियां आयोग के पास आ चुकी है। तो देखते हैं दोस्तों कब तक ये बहाली आती है। पेपर के माध्यम से तो कई बार आ चुका है। साथ साथ दोस्तों आज को बताते चले बीएसएससी प्रथम इंटर जैसे काउंसलिंग चल रहा है, तो इसमें आपको बता दें आज की यहाँ पे नई अपडेट ये है कि टोटल यहाँ पे मंगलवार को भी 8 अभ्यर्थी यहाँ पे पकड़े गए और यहाँ पे टोटल अभ्यर्थी की संख्या फर्जी अभ्यर्थियों की 141 यहाँ पे हो चुकी है, और यहाँ पे इंटर लेवल का आपको सेकंड काउंसलिंग लिस्ट का इंतजार है लोगों को। अब बहुत ही जल्द उम्मीद दिख रही है कि 90% अटेंडेंस के साथ यहाँ पर काउंसलिंग हो रही है, तो कुछ सीटें यहाँ पर खाली रहेंगी, तो उसके लिए आपका नया काउंसलिंग का विज्ञापन, नया काउंसलिंग लिस्ट यहाँ पर आएगा, सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट। तो देखते हैं दोस्तों कब तक आते हैं ये सब बहालियाँ बिहार में। जब भी आएगी आप सबको अवगत करा देंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दे, सभी अपडेट आप सभी को पल पल की देते रहेंगे।